विष्णु पुराण 11वां अध्याय गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन। सगर बोले, हे मुनि, मैं गृहस्थ के सदाचारों को सुनना चाहता हूँ, जिनका आचरण करने से वह इहलोक और परलोक दोनों जगह पतित नहीं होता। और वह बोले, हे पृथ्वीपाल, तुम सदाचार के लक्षण सुनो। सदाचारी पुरुष इहलोक और परलोक दोनों ही को जीत लेता है। सत शब्द का अर्थ साधु है, और साधु वही है जो दोष रहित हो। उस साधु पुरुष का जो आचरण होता है, उसी को सदाचार कहते हैं। हे राजन, इस सदाचार के वक्ता और कर्ता सप्त ऋषिगण मनु एवं प्रजापति हैं। हे नृप, बुद्धिमान पुरुष स्वस्थ चित्त से ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने धर्म और धर्माविरोधी अर्थ का चिंतन करे, तथा जिसमें धर्म और अर्थ की क्षति ना हो, ऐसे काम का भी चिंतन करें। इस प्रकार दृष्ट और अदृष्ट अनिष्ट की निवृत्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग के प्रति समान भाव रखना चाहिए। हे नृप, धर्म विरुद्ध अर्थ और काम दोनों का त्याग कर दे, तथा ऐसे धर्म का भी आचरण ना करे जो उत्तर काल में दुखमय अथवा समाज विरुद्ध हो। हे नरेश्वर, तदंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रथम मूत्र त्याग करें, ग्राम से नृत्य कोण में जितनी दूर बाण जा सकता हो उससे आगे बढ़कर अथवा अपने निवास स्थान से दूर जाकर मल मूत्र का त्याग करें। पैर धोया हुआ और जूठा जल अपने घर के आंगन में न डालें। अपनी या वृक्ष की छाया के ऊपर तथा गौ, सूर्य, अग्नि, वायु, गुरु और द्विजातीय पुरुष के सामने बुद्धिमान पुरुष कभी मल मूत्र त्याग न करे। इसी प्रकार हे पुरुष शर्भ, जुते हुए खेत में, सस्य संपन्न भूमि में, गऊ के गोष्ठ में, जन समाज में, मार्ग के बीच में, नदी आदि तीर्थ स्थानों में, जल अथवा जलाशय के तट पर और शमशान में भी कभी मल मूत्र का त्याग ना करे। हे राजन, कोई विशेष आपत्ति ना हो तो प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि दिन के समय उत्तर मुख और रात्रि के समय दक्षिण मुख होकर मूत्र त्याग करे। मल त्याग के समय पृथ्वी को तिनकों से और सिर को वस्त्र से ढांप ले, तथा उस स्थान पर अधिक समय तक ना रहे और ना कुछ बोले ही। हे राजन, बांदी की चूहों द्वारा बिल से निकाली हुई, जल के भीतर की शौच कर्म से बची हुई, घर के लेपन की चीटी आदि छोटे छोटे जीवों द्वारा निकाली हुई और हल से उखाड़ी हुई, इन सब प्रकार की व्रतिकाओं का शौच कर्म में उपयोग न करें। हे नृप, लिंग में एक बार, गुदा में तीन बार, बाएं हाथ में 10 बार और दाएं हाथ में 7 बार व्रतिका लगाने से शौच संपन्न होता है। तदंतर गंध और फेन रहित स्वच्छ जल से आचमन करें, तथा फिर सावधानता पूर्वक बहुत सी व्रतिका लें। उससे चरण शुद्धि करने के अनंतर फिर पैर धोकर 3 बार कुल्ला करें और 2 बार मुख धोवें। तत्पश्चात जल लेकर शिरोदेश में स्थित इंद्रिय रंध्र, मूर्धा, बाहु, नाभि और हृदय को स्पर्श करें। फिर भिन्न प्रकार स्नान करने के अनंतर केश संवारें और दर्पण, अंजन तथा दूर्वा आदि मांगलिक द्रव्यों का यथा विधि व्यवहार करें। तदंतर हे पृथ्वीपते, अपने वर्ण धर्म के अनुसार आजीविका के लिए धनोपार्जन करें और श्रद्धा पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान करें। सोम संस्था, हवि संस्था और पाक संस्था इन सब धर्मों कर्मों का आधार धन ही है। अतः मनुष्य को धनोपार्जन का यत्न करना चाहिए। नित्य कर्मों के संपादन के लिए नदी, नद, तड़ाग, देवालयों की बावड़ी और पर्वतीय झरनों में स्नान करना चाहिए, अथवा कुएं से जल खींचकर उसके पास की भूमि पर स्नान करें, और यदि वह भूमि पर स्नान करना संभव ना हो तो कुएं से खींचकर लाए हुए जल से घर ही में नहा लें। स्नान करने के अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण कर देवता, ऋषिगण और पुत्रगण का उन्हीं के तीर्थों से तर्पण करें। देवता और ऋषियों के तर्पण के लिए 3-3 बार तथा
प्रजापति के लिए एक बार जल छोड़ें। हे पृथ्वीपते, पितृगण और पितामहों की प्रसन्नता के लिए 3 बार जल छोड़ें तथा इसी प्रकार प्रपितामहों को भी संतुष्ट करें एवं माता महा अर्थात नाना और उनके पिता तथा उनके पिता को भी सावधानता पूर्वक पितृ तीर्थ से जल दान करें। अब काम्य तर्पण का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। यह जल माता के लिए हो, यह प्रमाता के लिए हो, यह वृद्ध प्रमाता के लिए हो, यह गुरु पत्नी को, यह गुरु को, यह मामा को, यह प्रिय मित्र को तथा यह राजा को प्राप्त हो। हे राजन, यह जपता हुआ समस्त भूतों के हित के लिए देवता आदि तर्पण करके अपनी इच्छा अनुसार अभिलषित संबंधी के लिए जलदान करें। देव आदि तर्पण के समय इस प्रकार का है, देव असुर यक्ष नाग गंधर्व राक्षस पिशाच गुहक सिद्ध कुष्मांड पशु पक्षी जलचर स्थलचर और वायु भक्षक आदि सभी प्रकार के जीव मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त हो। जो प्राणी संपूर्ण नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं भोग रहे हैं उनकी तृप्ति के लिए मैं जलदान करता हूँ। जो मेरे बंधु अथवा अबंधु हैं तथा जो अन्य जन्मों में मेरे बंधु थे एवं और भी जो जो मुझसे जल की इच्छा रखने वाले हैं वे सब मेरे दिए हुए जल से परितृप्त हो। शुद्धा और तृष्णा से व्याकुल जीव कहीं भी क्यों ना हो, मेरा दिया हुआ यह तिलोदक उनको तृप्ति प्रदान करे। हे नृप, इस प्रकार मैंने तुमसे यह काम्य तर्पण का निरूपण किया जिसके करने से मनुष्य सकल संसार को तृप्त कर देता है और हे अनघ, इससे उसे जगत की तृप्ति से होने वाला पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार उपरोक्त जीवों को श्रद्धा पूर्वक काम्य जल दान करने के अनंतर आचमन करें और फिर सूर्य देव को जलांजलि दें। उस समय इस प्रकार का ही भगवान विवस्वान को नमस्कार है जो वेद विद्या और भगवान विष्णु के तेज स्वरूप हैं तथा जगत को उत्पन्न करने वाले अति पवित्र एवं कर्मों के साक्षी हैं। तदंतर जलाभिषेक और पुष्प तथा धूपादि निवेदन करता हुआ ग्रहदेव और इष्ट देव का पूजन करें। हे नृप, फिर अपूर्व अग्निहोत्र करें, उसमें पहले ब्रह्मा जी को तदंतर क्रमशः प्रजापति गुप्त काश्यप और अनुमति को आदर पूर्वक आहुतियां दें। उससे बचे हुए हव्य को पृथ्वी और मेघ के उद्देश्य से उदक पात्र में धाता और विधाता के उद्देश्य से द्वार के दोनों ओर तथा ब्रह्मा जी के उद्देश्य से घर के मध्य में छोड़ दें। हे पुरुष व्याघ्र, अब मैं दिक्पाल गण की पूजा का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर दिशाओं में क्रमशः इंद्र यम वरुण और चंद्रमा के लिए भूत शिष्ट सामग्री से बलि प्रदान करें। पूर्व और उत्तर दिशाओं में धन्वंतरी के लिए बलि दें तथा इसके अनंतर बलि वैश्वदेव कर्म करें। बलि वैश्वदेव के समय वायव्य कोण में वायु को तथा अन्य समस्त दिशाओं में वायु एवं दिशाओं को बलि दे। इसी प्रकार ब्रह्मा अंतरिक्ष और सूर्य को भी उनकी दिशाओं के अनुसार अर्थात मध्य में बलि प्रदान करें। फिर हे नरेश्वर, विश्व देवों विश्वभूतों विश्वपतियों पितरों और यक्षों के उद्देश्य से यथास्थान बलिदान करें। तदंतर बुद्धिमान व्यक्ति और अन्न लेकर पवित्र पृथ्वी पर समाहित चित से बैठकर स्वेच्छा अनुसार समस्त प्राणियों को बलि प्रदान करें। उस समय इस प्रकार का ही देवता मनुष्य पशु पक्षी सिद्ध यक्ष सर्प दैत्य प्रेत पिशाच वृक्ष तथा और भी चीटी आदि कीट पतंग जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए शुद्धा आतुर होकर मेरे दिए हुए अन्न की इच्छा करते हैं उन सबके लिए मैं यह अन्नदान करता हूँ। वे इससे परितृप्त और आनंदित हों। जिनके माता पिता अथवा कोई और बंधु नहीं है तथा अन्न प्रस्तुत करने का साधन और अन्न भी नहीं है उनकी तृप्ति के लिए पृथ्वी पर मैंने यह अन्न रखा है, वे इससे तृप्त होकर आनंदित हों। संपूर्ण प्राणी यह अन्न और मैं सभी विष्णु हैं, क्योंकि उनसे भिन्न और कुछ है ही नहीं।
अतः मैं समस्त भूतों का शरीर रूप यह अन्न उनके पोषण के लिए दान करता हूँ। यह जो 14 प्रकार का भूत समुदाय है, उसमें जितने भी प्राणी गण अवस्थित हैं, उन सबकी तृप्ति के लिए मैंने यह अन्न प्रस्तुत किया है। वे इससे प्रसन्न हों। इस प्रकार उच्चारण करके गृहस्थ पुरुष श्रद्धा पूर्वक समस्त जीवों के उपकार के लिए पृथ्वी में अन्नदान करें, क्योंकि गृहस्थ ही सबका आश्रय है। हे नरेश्वर, तवंतर कुत्ता चांडाल पक्षी गण तथा और भी जो कोई पतित एवं पुत्रहीन पुरुष हो, उनकी तृप्ति के लिए पृथ्वी में बलि भाग रखें। फिर गो दोहन काल पर्यंत अथवा इच्छा अनुसार इससे भी कुछ अधिक देर अतिथि ग्रहण करने के लिए घर के आंगन में रहें। यदि अतिथि आ जाए तो उनका स्वागत आदि से तथा आसन देकर और चरण धोकर सत्कार करें। फिर श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर मधुर वाणी से प्रश्नोत्तर करके तथा उसके जाने के समय पीछे पीछे जाकर उसको प्रसन्न करें। जिसके कुल और नाम का कोई पता ना हो तथा अन्य देश से आया हो, उसी अतिथि का सत्कार करें। अपने ही गांव में रहने वाले पुरुष की अतिथि रूप से पूजा करनी उचित नहीं है। जिसके पास कोई सामग्री ना हो, जिससे कोई संबंध ना हो, जिसके कुलशील का कोई पता ना हो और जो भोजन करना चाहता हो, उस अतिथि का सत्कार किए बिना भोजन करने से मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि आए हुए अतिथि के अध्ययन, गोत्र, आचरण और कुल आदि के विषय में कुछ भी न पूछकर हृदय गर्भ बुद्धि से उसकी पूजा करे। हे नृप, अतिथि सत्कार के अनंतर अपने ही देश के एक और 5 यज्ञिक ब्राह्मण को, जिसके आचार और कुल आदि का ज्ञान हो, पुत्र गण के लिए भोजन करावे। हे भूपाल, मनुष्य यज्ञ की विधि से मनुष्य भयो अंतः पित्त आदि मंत्रोच्चारण पूर्वक पहले ही निकाल कर अलग रखे हुए हंतकार नामक अन्न से उस क्षत्रिय ब्राह्मण को भोजन करावे। इस प्रकार देवता, अतिथि और ब्राह्मण को ये 3 भिक्षाएं देकर यदि सामर्थ्य हो तो परिव्राजक और ब्रह्मचारियों को भी बिना लौटाए हुए इच्छा अनुसार भिक्षा दें। 3 पहले तथा भिक्षु गण ये 4 अतिथि कहलाते हैं। हे राजन, इन 4 का पूजन करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वह अपने पाप देकर उनके शुभ कर्मों को ले जाता है। हे नरेश्वर, धाता, प्रजापति, इंद्र, अग्नि, वसुगण और अर्यमा, ये समस्त देवगण अतिथि में प्रविष्ट होकर अन्न भोजन करते हैं। अतः मनुष्य को अतिथि पूजा के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। जो पुरुष अतिथि के बिना भोजन करता है, वह तो केवल पाप ही भोग करता है। तदंतर गृहस्थ पुरुष पुत्र ग्रह में रहने वाली विवाहिता कन्या, दुखिया और गर्भिणी स्त्री तथा वृद्ध और बालकों को संस्कृत अन्न से भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करें। इन सबको भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन कर लेता है, वह पापमय भोजन करता है और अंत में मरकर नरक में श्लेष्म भोजी कीट होता है। जो व्यक्ति स्नान किए बिना भोजन करता है, वह मल भक्षण करता है। जब किए बिना भोजन करने वाला रक्त और पोया पान करता है। संस्कारहीन अन्न खाने वाला मूत्र पान करता है तथा जो बालक वृद्ध आदि से पहले आहार करता है, वह निष्ठाहारी है। इसी प्रकार बिना होम किए भोजन करने वाला मानो कीड़ों को खाता है और बिना दान किए खाने वाला विषभोजी है। अतः हे राजेंद्र, गृहस्थ को जिस प्रकार भोजन करना चाहिए, जिस प्रकार भोजन करने से पुरुष को पाप बंधन नहीं होता तथा इन लोक में अत्यंत आरोग्य, बल, बुद्धि की प्राप्ति और अरिष्टु की शांति होती है, और जो शत्रु पक्ष का नाश करने वाली है, वह भोजन विधि सुनो।
गृहस्थ को चाहिए कि स्नान करने के अनंतर यथा विधि देव ऋषि और पुत्रगण का तर्पण करके हाथ में उत्तम रत्न धारण किए पवित्रता पूर्वक भोजन करें। जप तथा अग्निहोत्र के अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण कर अतिथि ब्राह्मण गुरुजन और अपने आश्रित बालक एवं वृद्धों को भोजन कराकर सुंदर सुगंध युक्त उत्तम पुष्पमाला तथा एक ही वस्त्र धारण किए हाथ पांव और मुंह धोकर प्रीति पूर्वक भोजन करें। हे राजन, भोजन के समय इधर उधर ना देखें। मनुष्य को चाहिए कि पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके अनमना ना होकर उत्तम और पथ्य अन्न को भक्षण के लिए रखे हुए मंत्रपूत जल से छिड़क कर भोजन करे। जो अन्न दुराचारी व्यक्ति का लाया हुआ हो, घृणाजनक हो अथवा बलि वैश्वदेव आदि संस्कार शून्य हो, उसको ग्रहण ना करे। हे द्विज, गृहस्थ पुरुष अपने खाद्य में से कुछ अंश अपने शिष्य तथा अन्य भूखे प्यासों को देकर उत्तम और शुद्ध पात्र में शांत चित्त से भोजन करे। हे नरेश्वर, किसी बैंत आदि के आसन अर्थात कुर्सी आदि पर रखे हुए पात्र में अयोग्य स्थान में असमय अर्थात संध्या आदि काल में अथवा अत्यंत संकुचित स्थान में कभी भोजन ना करे। मनुष्य को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देकर भोजन करे। हे नृप, जो अन्न मंत्रकूट और प्रशस्त हो तथा जो बासी ना हो उसी को भोजन करे, परंतु फल मूल और सूखी शाखाओं को तथा बिना पकाए हुए लेह चटनी आदि और गुड़ के पदार्थों के लिए ऐसा नियम नहीं है। हे नरेश्वर, सारहीन पदार्थों को कभी ना खाए। हे पृथ्वीपति, विवेकी पुरुष मधु जल दही घी और सत्तू के सिवा और किसी पदार्थ को पूरा ना खाए। भोजन एकाग्रचित होकर करे तथा प्रथम मधु रस, फिर लवण और अमल रस तथा अंत में कटु और तीखे पदार्थों को खाए। जो पुरुष पहले द्रव पदार्थों को, बीच में कठिन वस्तुओं को तथा अंत में फिर द्रव पदार्थों को ही खाता है, वह कभी बल तथा आरोग्य से हीन नहीं होता। इस प्रकार वाणी का संयम करके अनिषिद्ध अन्न भोजन करे, अन्न की निंदा ना करे, प्रथम 5 ग्रास अत्यंत मौन होकर ग्रहण करे, उनसे पंच प्राणों की तृप्ति होती है। भोजन के अनंतर भली प्रकार आचमन करे और फिर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके हाथों को उनके मूल देश तक धोकर विधि पूर्वक आचमन करे। तदंतर स्वस्थ और शांत चित्त से आसन पर बैठकर अपने इष्ट देवों का चिंतन करे और इस प्रकार कहे, प्राण रूप पवन से प्रज्वलित हुए जठार अग्नि आकाश के द्वारा अवकाश युक्त अन्न का परिपाक करे और फिर अन्न रस से मेरे शरीर के पार्थिव धातुओं को पुष्ट करे, जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। यह अन्न मेरे शरीरस्थ पृथ्वी जल अग्नि और वायु का बल बढ़ाने वाला हो और इन चारों तत्वों के रूप में परिणत हुआ यह अन्न ही मुझे निरंतर सुख देने वाला हो। यह अन्न मेरे प्राण अपान समान उदान और व्यान की पुष्टि करे तथा मुझे भी निर्बाध सुख की प्राप्ति हो। मेरे खाए हुए संपूर्ण अन्न का अगस्ती नामक अग्नि और बड़वानल परिपाक करे, मुझे उसके परिणाम से होने वाला सुख प्रदान करे और उससे मेरे शरीर को आरोग्यता प्राप्त हो। देह और इंद्र आदि के अधिष्ठाता एकमात्र भगवान विष्णु ही प्रधान है। इस सत्य के बल से मेरा खाया हुआ समस्त अन्न परिपक्व होकर मुझे आरोग्यता प्रदान करे। भोजन करने वाला भोज्य अन्न और उसका परिपाक ये सब भगवान विष्णु ही है। इस सत्य भावना के बल से मेरा खाया हुआ यह अन्न पच जाए ऐसा कहकर अपने उदर पर हाथ फेरे और सावधान होकर अधिक श्रम उत्पन्न न करने वाले कार्यों में लग जाए। शास्त्रों का अवलोकन आदि सन्मार्ग के अविरोधी विनोदों से शेष दिन को व्यतीत करें और फिर सायकाल के समय सावधानता पूर्वक संध्योपासन करें।
हे राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सायंकाल के समय सूर्य के रहते हुए और प्रातःकाल तारागण के चमकते हुए ही भिन्न प्रकार आचमन आदि करके विधि पूर्वक संध्योपासन करें। हे पार्थिव, सूतक, पुत्र जन्म आदि से होने वाली अशुचिता, अशौच, मृत्यु से होने वाली अशुचिता, उन्माद, रोग और भय आदि को कोई बाधा ना हो तो प्रतिदिन ही संध्योपासन करना चाहिए। जो पुरुष रुग्णावस्था को छोड़कर और कभी सूर्य के उदय अथवा अस्त के समय सोता है, वह प्रायश्चित का भागी होता है। अतः हे महीपते, गृहस्थ पुरुष सूर्य उदय से पूर्व ही उठकर प्रातः संध्या करे और सायंकाल में भी तत्कालीन संध्या वंदन करे, सोवे नहीं। हे नृप, जो पुरुष प्रातः अथवा सायंकालीन संध्योपासन नहीं करते, वे दुरात्मा अंधतामिस्त्र नरक में पड़ते हैं। तदंतर हे पृथ्वीपते, सायंकाल के समय सिद्ध किए हुए अन्न से गृहपत्नी मंत्रहीन बलि वैश्वदेव करें, उस समय भी इसी प्रकार स्वपच आदि के लिए अन्नदान किया जाता है। बुद्धिमान पुरुष उस समय आए हुए अतिथि का भी सामर्थ्य अनुसार सत्कार करे। हे राजन, प्रथम पांव धुलाने, आसन देने और स्वागत सूचक विनम्र वचन कहने से तथा फिर भोजन कराने और शयन कराने से अतिथि का सत्कार किया जाता है। हे नृप, दिन के समय अतिथि के लौट जाने से जितना पाप लगता है, उससे 8 गुना पाप सूर्य अस्त के समय लौटने से होता है। अतः हे राजेंद्र, सूर्य अस्त के समय आए हुए अतिथि का गृहस्थ पुरुष अपनी सामर्थ्य अनुसार अवश्य सत्कार करे, क्योंकि उनका पूजन करने से ही समस्त देवताओं का पूजन हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपनी शक्ति के अनुसार उसे भोजन के लिए अन्न, शाक या जल देकर तथा सोने के लिए शैया या घास फूस का बिछौना अथवा पृथ्वी ही देकर उसका सत्कार करे। हे नृप, तदंतर गृहस्थ पुरुष सायंकाल का भोजन करके तथा हाथ पांव धोकर छिद्रादेहीन काष्ठमय शैया पर लेट जाए, जो काफी बड़ी ना हो, टूटी हुई हो, ऊंची नीची हो, मलिन हो अथवा जिसमें जीव हो या जिस पर कुछ बिछा हुआ ना हो, उस शैया पर ना सोवे। हे नृप, सोने के समय सदा पूर्व अथवा दक्षिण की ओर सिर रखना चाहिए। इनके विपरीत दिशाओं की ओर सिर रखने से रोगों की उत्पत्ति होती है। हे पृथ्वीपते, ऋतु काल में अपनी ही स्त्री से संग करना उचित है। पुलिंग नक्षत्र में युग्म और उनमें भी पीछे की रात्रियों में शुभ समय में स्त्री प्रसंग करें, किंतु यदि स्त्री अप्रसन्ना, रोगिणी, रजस्वला, निर्भिलाषिणी, क्रोधिता, दुखिनी अथवा गर्भिणी हो तो उसका संग ना करें। जो सीधे स्वभाव की ना हो, पराभिलाषिणी अथवा निर्भिलाषिणी हो, शुद्धार्ता हो, अधिक भोजन किए हुए हो अथवा पर स्त्री हो, उसके पास ना जाएं और यदि अपने लिए दोष हो तो भी स्त्री गमन ना करें। पुरुष को उचित है कि स्नान करने के अनंतर माला और गंध धारण कर काम और अनुराग युक्त होकर स्त्री गमन करें। जिस समय अति भोजन किया हुआ हो अथवा शोधित हो, उस समय उसमें प्रवृत्त ना हो। हे राजेंद्र, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य की संक्रांति, ये सब पर्व दिन है। इन पर्व दिनों में तेल, स्त्री अथवा मांस का भोग करने वाला पुरुष मरने पर विष्ठा और मूत्र से भरे नरक में पड़ता है। संयमी और बुद्धिमान पुरुषों को इन समस्त पर्व दिनों में सच्छास्त्रावलोकन, देवोपासना, यज्ञानुष्ठान, ध्यान और जप आदि में लगे रहना चाहिए। गौ, छाग आदि अन्य योनियों में अयोनियों से औषध प्रयोग से अथवा ब्राह्मण देवता और गुरु के आश्रमों में कभी मैथुन ना करें। हे पृथ्वीपते, चैत्य वृक्ष के नीचे, आंगन में, तीर्थ में, पशुशाला में, चौराहे पर, शमशान में, उपवन में अथवा जल में भी मैथुन करना उचित नहीं है। हे राजन, पूर्वोक्त समस्त पर्व दिनों में प्रातःकाल और सायंकाल में तथा मल मूत्र के वेग के समय बुद्धिमान पुरुष मैथुन में प्रवृत्त ना हो।
हिरण्यक पर्व दिनों में स्त्री गमन करने से धन की हानि होती है, दिन में करने से पाप होता है, पृथ्वी पर करने से रोग होता है और जलाशय में स्त्री प्रसंग करने से अमंगल होता है। पर स्त्री से तो वाणी से तो क्या, मन से भी प्रसंग ना करे, क्योंकि उनसे मैथुन करने वालों को अस्थि बंधन भी नहीं होता, अर्थात उन्हें अस्थि शून्य कीटादि होना पड़ता है। पर स्त्री की आसक्ति पुरुष को इहलोक और परलोक दोनों जगह भय देने वाली है। इहलोक में उनकी आयु क्षीण हो जाती है और मरने पर वह नरक में जाता है। ऐसा जानकर बुद्धिमान पुरुष उपरोक्त दोषों से रहित अपनी स्त्री से ही ऋतु काल में प्रसंग करे तथा उसकी विशेष अभिलाषा हो तो बिना ऋतु काल के भी गमन कर सकते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।